या रानी का बहुत अच्छा गेटअप है उसमें, और कहीं कहीं पे उन्होंने वो जो गाना ना शेख कौन सा ड्रीमम, उसमें जो कॉस्ट्यूम्स है वो उन्होंने बिल्कुल मुझे फॉलो किया है, क्योंकि अगर आप दही हंडी देखे या मेरे बहुत सारे शोज देखे तो मैं उस वैसे ही कॉस्ट्यूम पहनती हूँ, तो रानी ने मुझे बहुत फॉलो किया है कॉस्ट्यूम्स में। नहीं, आजकल ऐसा हो गया है कि इंसान, लड़कियाँ थोड़ी मोटी हो रही है, जब लड़कियाँ थोड़ी मोटी होती है तो उनके कमर और हिप्स जो हैं, जैसे अभी मेरे हैं, तो थोड़ी सी मोटी हो जाती है, तो जो यू नो गोश वॉल्यूमस, हाँ हैं, मांस लोगों को बहुत पसंद आता है, और गोश यू नो गोश हरी भरी यू नो जैसे इंडियन लड़की होती है यू नो, तो वैसे लोगों को बहुत पसंद आती है थिएटर में, वो जाना जाते हैं तो उनका पैसे वसूल हो जाते हैं, तो अब जीरो साइज का ज़माना रहा नहीं जी। मैं तो हर जगह अच्छा ही परफॉर्म कर रही हूँ, मैं उनको फॉलो नहीं करती, वो सब मुझे फॉलो करते हैं। आप खुद देखिए कॉस्ट्यूम्स और हर चीज़ देखिए, रानी ने ऐसा कभी काम किया बट नहीं, आई थिंक वो विद्या बालन और मुझे बहुत फॉलो कर रही है, वो मुझे देखती है, मैं बहुत बोल्ड एंड बिंदास हूँ, तो आई थिंक पहले जो एक्ट्रेस थी वो वैसी नहीं थी, मैं बोल्ड एंड बिंदास बहुत पहले से हूँ, तो ये सब मुझे फॉलो कर, यानी कटरीना, रानी, विद्या, सब लोग राखी को ही फॉलो करते हैं। यस यस यस, मेरे कॉस्ट्यूम स्टाइल को, मेरे बोलने के अंदाज को, और बेबाक, और मेरे कॉस्ट्यूम स्टाइल, मेरा हेयर स्टाइल, मेरा मेकअप स्टाइल, मेरा जो जिस टाइप का मैं पहनती हूँ, दिखाओ क्या देखो, तो ये मतलब जिस टाइप का आप देख सकते हैं, जिस टाइप का मैं पहनती हूँ तो बहुत काफ़ी फॉलो करती हूँ। ये एक्टिंग करने का मुझे मौका कभी मिला नहीं है, मैंने हमेशा डांस किया है, तो डर्टी डांसिंग जो क्रेडिट है वो विद्या बालन या रानी को नहीं जाना चाहिए, वो मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मैंने हमेशा उस टाइप का डांस किया। आइटम सॉन्ग का मतलब ही होता है डर्टी डांसिंग, यू नो। या